हाय एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल पेंडा। और दोस्तों, चल रहा है क्रिकेट सीजन, ऐसे में बहुत सारे लोग ड्रीम इलेवन प्ले कर रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं। और ऐसे में मेरी बहुत सी वीडियोस पे कुछ कमेंट आए थे, कुछ सवाल पूछे गए थे नए यूजर द्वारा, तो सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिनमें उन सवालों के जवाब दूं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ड्रीम इलेवन खेलने से पहले ये वीडियो आप जरूर देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे रूल के बारे में जो ड्रीम इलेवन पे हिडन रूल होते हैं, जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। ऐसा ना हो कि पहले आप अमाउंट कुछ पैसा जीत जाओ, फिर उसे आप अपने बैंक अकाउंट में ना ले पाओ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, ढेर सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर देखते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, लाइक बटन दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, उसके बाद इस घंटे को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, शेयर बटन पे क्लिक करके। दोस्तों, एक यूजर ने सवाल पूछा था कि मेरी एज 18 साल से कम है तो क्या मैं ड्रीम इलेवन खेल सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो भी आप ड्रीम इलेवन खेल सकते हो, लेकिन अकाउंट बनाने के लिए आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और पैसा मंगाने के लिए भी आपकी एज जो है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप पैसा मंगा सकते हो अपने अकाउंट में। अन्यथा आप दूसरे व्यक्ति के नाम पे अकाउंट क्रिएट करके आप खेल सकते हो, चाहे आपकी एज 18 साल से कम ही क्यों ना हो। दोस्तों, एक हिडन रूल आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर आप उड़ीसा, तेलंगाना और आसाम से बिलोंग करते हो और यहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट किया है, यानी स्ट्रीट वाले सेक्शन में आपने ये चीजें डाल रखी हैं, तो आप पे एंड प्ले वाला कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते हो, पैसा लगा के कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते हो। और अगर आपने पैसा जीत भी लिया है किसी और स्टेट से अपने अकाउंट बना के, तो अगर आप यहाँ का स्टेट आप इंटर करोगे तो आप अपने अकाउंट में पैसा नहीं मंगा सकते हो। यहाँ का बैंक अकाउंट अगर यूज करोगे तो आप अपने अकाउंट में पैसा नहीं मंगा सकते हो। तो इन तीनों स्टेट से अगर आप हो तो आप पैसा नहीं मंगा सकते अपने अकाउंट में ड्रीम इलेवन से, और ना ही खेल सकते हो पे एंड प्ले वाला कॉन्टेस्ट। दोस्तों, तीसरा सवाल हमारे यूजर ने ये पूछा था कि अगर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या मैं पैसा मंगा सकता हूँ। तो दोस्त, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैसा नहीं मंगा सकते हो। इसके लिए पहले आपको अपना पैन कार्ड बनाना होगा, फिर वेरीफाई कराना होगा और तभी आप पैसा मंगा सकते हो। तो दोस्तों, चौथा सवाल ये पूछा गया था कि अगर पैन कार्ड अलग व्यक्ति का है और बैंक अकाउंट अलग व्यक्ति का है तो क्या आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड होगा। तो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, तभी आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड होगा। दोस्तों, एक सवाल और उठता है कि क्या आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो। तो जी हाँ, जो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड है पहले उसे ड्रीम इलेवन अनवेरीफाइड करेगा, फिर आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो, लेकिन आप अपना पैन कार्ड नहीं चेंज कर सकते हो। पैन कार्ड जो एक बार वेरीफाई हो गया वही पैन कार्ड वेरीफाइड रहेगा। दोस्तों, एक यूजर ने सवाल ये किया था कि ग्रामीण बैंक है तो क्या पैसा मंगाया जा सकता है। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि ड्रीम इलेवन जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है और अमूमन सारे बैंक के पास IFSC कोड होता है, तो आप जिस भी बैंक के पास IFSC कोड है उस बैंक में आप पैसा मंगा सकते हो। और दोस्तों, इसी बीच एक यूजर ने मुझसे सवाल किया था कि भाई तू बता, तू कितना पैसा कमाता है, कुछ अजीब सा कमेंट करके। तो यार, आपको बता दो कि हर मंथ में मैं 3 या 4 बार अपने अकाउंट में पैसा विड्रॉ करता हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो। और दोस्तों, एक यूजर ने ये भी सवाल किया था कि हम तेरा रेफरल कोड क्यों यूज करें, तुझे बोनस मिलेगा। तो यार, आपको भी अगर खेलोगे मेरे रेफरल कोड से तो आपको भी बोनस मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, हम दोनों को मिलेगा। ये आपकी इच्छा है कि आप उसका यूज करते हो कि नहीं करते हो। और बार बार रेफरल कोड आप एक ही मोबाइल में यूज करोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।